पकड़ पड़ाई खेल रही है, जब तेलीरी थक जाएगी ना, जो गिर जाएगी चोट लग जाएगी इसके। वो देख लग रहा आग लग गई कहीं, आग लग गई है फिर ऐसी कूड़ा जला दिया है। ऐसे भी मुझे भूख लगी हुई थी ना, तो मेरे को पता चला कि 5 बजे के बाद जब ग्रहण लगे ना, तो पहले खाना खा के बैठ चुका था। आज ये पापा ब्लॉग जो देख रहे होंगे ना, बहुत मिस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर घर में होते ना पापा मम्मी तो खाते। और मीठे वाले का सिर्फ गोल कर दिया मम्मी ने, जिसने गोल्डन कलर करवाए थे मेरे हाथों से। आज वो बंदा फिर आया गाइस, ये देखो ये मेरा दोस्त है। खा के देख ये कैसा लगा। Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my... Oh, 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 oh. कहाँ जा रही है ये? हैं? ये मुझे पकड़ रही है। क्यों पकड़ रही है? पकड़म पकड़ाई खेल रही है। अबे थक जाएगी। खुद तेरी। देखो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग वीडियो। आज जिया के साथ खेल रहे हैं हम लोग। ये पकड़ पड़ाई खेल रही है, देखो तेरी थक जाएगी ना, जो गिर जाएगी चोट लग जाएगी इसके। वैसे रोज खेलती नहीं है पर आज बहुत ज्यादा खुश हो रही है सुबह से ही। और आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन देखो वेदर कैसा है गाइस, ये देखो आहा क्या मस्त मौसम हो रहा है। आज मैंने सुना कि ग्रहण लगा हुआ। रंजीत वो देख लग रहा आग लग गई कहीं, आग लग गई है फिर ऐसी कूड़ा जला दिया है। ऊपर आ गई देखो, फिर पकड़ पाई, थक गई बेचारी। तो देखो गाइस आज का सीन कैसा है, क्या जाता है ब्लॉग। वैसे देखो दिल्ली तो एयर पोल्यूटेड एरिया है ही, और पता है कि पूरे इस सीजन में तो काफी ज्यादा पोल्यूटेड होता है, लेकिन इधर देखोगे तो अब तो काफी और हो गया भाई। यहाँ से देखो कितना साफ नजर आ रहा है, कितना काला धुआं निकल रहा है रंजीत। वो आग लगी है ना, आग लग जाते हैं प्लास्टिक के फैक्ट्री उस साइड। सही बोल रहा है, उधर गोदाम वगैरह भी है। अब ये सारा का सारा भाई पोल्यूटेड हो जाएगा, ये पूरा एरिया पूरा वैसी। हाँ कोहरा तो वैसे ही दिख रहा है डस्ट टाइप का, अभी और फैल जाएगा देखना। अरे कुछ समय पहले तो मैंने आपको दिखाया नहीं था, क्योंकि इस तरफ बता रहा हूँ मंदिर के उस तरफ भी आग लगी हुई थी उधर का, फिर मैंने आपको उस दिन दिखाया नहीं था, मैंने सोचा छोड़ो रहने देता हूँ। बट अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और अभी दिख गया मेरे को ये। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा सीन जाता है। जी हाँ प्यास लग गई थी इसको, देख थक के रही है, थक के मारे फिर पानी पीने लगी है। आज गाइस देखो खाने में क्या बना हुआ है, दाल और ये है जो कल बर्फ जम गया था ना चना, वही वाला है ना रंजीत। नहीं, वो तो कल ही खत्म हो गया था, वो तो खा गए थे। तो चना और लाल साग, वाओ क्या टेस्ट आ रहा है, और रोटी। तो ये है सुबह का नाश्ता, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा हैवी नाश्ता नहीं कह सकते यार, ये मेरा खाना ही है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 11:57 हो गए। तो फिलहाल ये है मेरा सुबह का खाना, इसको खत्म कर लेता हूँ, मुँह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, सुबह से भूखा हूँ ना मैं। खाएगा तू रंजीत? नहीं मैं खा भी लिया, नाश्ता कर लिया। तो यहाँ गाइस अभी करूंगा एडिटिंग वेडिटिंग, हम काम करा करते थे। देख रहा है कल्लू, लेकिन बहुत पहले से डला हुआ, कल्लू छोटा था तब भी डला हुआ है ना, बहुत पहले से डला हुआ। चल अंदर आ, मौका चाहिए था ना, हो गया मौका, आ जल्दी, आ जल्दी, आ जल्दी, कम ऑन अंदर आ जल्दी। देखा इसके नीचे चूहा है, पकड़ ले, पकड़ ले, धोखा हो गया इसके साथ। चल ऊपर आ जा। जिया को गाइस मैं बाहर जानबूझ के निकालते नहीं हूँ, कि जब भी वो बाहर जाती है ना तो ऐसा लगता है कि कीचड़ वीचड़ बाहर में, गली में गंदगी बहुत ज्यादा ना, इसलिए गंदी हो जाती है। अभी थोड़ी सी हो गई है, इसलिए उसको बाहर हम खिलाते नहीं है। ये देखो गाइस इसके अंदर डला है पतीले में अजवाइन, और ज्यादा ही डल गया है, थोड़ा और ज्यादा इसमें पानी डाल के गर्म करना पड़ेगा। इसको लग रहा है खाने की चीज है, खाने की नहीं है बेटा। तो इसके अंदर भर दिया है, लगभग 1 लीटर पानी होगा ये, इसको चढ़ा देता हूँ चूल्हे पे। ज्यादा देर तक गर्म नहीं करूंगा गाइस, वैसे ये अजवाइन वाला पानी वैसे तो हर कोई घर में पी सकता है, लेकिन ये अजवाइन वाला जो पानी है ना, ये खासकर मेरी वाइफ ज्यादा पीती है, क्योंकि आपको पता है अजवाइन और मूंग की दाल, मसूर की दाल, इतना जितना भी होता है ना लिक्विड वगैरह, एक एक प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 6 महीने तक रहता है ना, तब तक जब तक वो माँ का दूध पी रहा तब तक माँ को ये सारी चीजें खानी होती है, तो इसीलिए अजवाइन का पानी देता हूँ, क्योंकि गर्म होता है और वैसे भी अब ठंड का सीजन है, या फिर नॉर्मल वाटर तो पी नहीं सकती, तो इसलिए उनको ये देता रहता हूँ। सो गाइस पानी तो गर्म हो गया है, मैडम को दे देता हूँ। कहाँ पे रखूँ, यहीं पे रख दूँ, कुर्सी पे, कुर्सी पे रख दूँ। सो गाइस ये वाला गेट ओपन कर रहा हूँ, देखो बाहर अभी 5:16 हो गया, और मैंने आज सुना है कि आज ग्रहण लगने वाला है। अब ये नहीं पता कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, फिर भी पूछ लेता हूँ, लेकिन ग्रहण लगने वाला है। अनुपम आज ग्रहण लगने वाला है ना बेबी, कौन सा ग्रहण लगने वाला है आज? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चंद्र ग्रहण है आज, चंद्र ग्रहण।
चंद्र ग्रहण सबसे आखिर है, आखिरी मतलब ग्रह इस साल का आखिरी। इसके बाद फिर कब लगेगा? अगले साल लगेगा 2023 में। सो गाइस आज भी ना चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, मैं तो सूर्य ग्रहण बोलने वाला था। तो इस बीच में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है ना। क्या क्या? हमें कुछ चीज काटनी नहीं होती घर के अंदर, अगर साग सब्जी काटनी हो तो नहीं काटना चाहिए ग्रहण लगने टाइम, और खाना नहीं खा सकते, और नाखून के बाल बोल रहे हैं, नाखून नहीं काट सकते, और हेयर वेयर कट नहीं कर सकते। और वैसे तो आज वैसे मंगलवार है, तो मंगलवार को तो वैसे भी नहीं काटना चाहिए। तो ये ग्रहण जो लगा है कितने देर का लगा है बेबी? एक घंटे। हर स्टेट में अलग अलग टाइमिंग है, दिल्ली में 45 मिनट है बस। अच्छा, मतलब 5:45 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। 45 मिनट में खत्म। हाँ, तो यानी 45 मिनट्स का लगवाया, तो 5:15 तो हो चुके हैं, मुझे पता नहीं चला 15 मिनट का बीच है, लेकिन सुबह से मुझे मालूम था कि आज चंद्र ग्रहण या मंगल ग्रहण लगने वाला है। ये नहीं पता था कि सूर्य ग्रहण है कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है। फिलहाल अभी एडिटिंग का काम जारी हो रहा है, यहाँ पर एडिट करूँगा और उसके बाद फिर अपलोडिंग पे लगाऊंगा। समझ के तो शाम को 7 या 8 बजे ही अपलोड कर पाऊंगा, 9 बजे के करीब। तो ऊपर चलता हूँ अभी। ये देखो गाइस आज का मौसम कैसा हो रखा है। आज पूरे दिन ऐसा मौसम रहा है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन ठंडी हवा से ये तो है कि हाँ आज ठंड है। तो देखो ऐसे तो अभी ग्रहण लग चुका है, सूर्य देवता तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, और ये 15 अगस्त का तिरंगा अभी तक लहरा रहा है। सूरज जो इधर डूबता था लेकिन आज कहीं दिखी नहीं था। और शाम के कितने बज रहे हैं? टाइमिंग बता रहा हूँ, 5:16 हो रहे हैं। देखते हैं बाकी आज एक घंटा, और वैसे भी मुझे भूख लगी हुई थी ना, तो मेरे को पता चला कि 5 बजे के बाद जब ग्रहण लगे ना, तो पहले खाना खा के बैठ चुका था। अब भूख लगेगी मुझे रात को ही, अब रात को भी डिनर टाइम खाऊंगा। इस बीच में तो खाना खाना भी नहीं होता है। तो अभी फिलहाल एडिटिंग का काम चालू है। क्या बोलता रहता हूँ, लड़खड़ा जाता हूँ, तोतलापन बढ़ता जा रहा है मेरा। देखो गाइस चीकू सो रहा है। एक्चुअली हमने इसका नाम चीकू ऐसे ही मेरे मुंह से निकलता है, लेकिन इसका नाम कुछ और है, और नेक्स्ट ब्लॉग से मैं इसका नाम बार बार वही नाम पुकारूंगा जो हमने निक नेम रखा है, क्योंकि चीकू कॉमन नेम है, काफी सारे बच्चों का नाम चीकू रहता है। तो किसी एक को बुलाऊंगा तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे गली में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी का नाम लड्डू है, किसी का नाम गोलू है, तो अपने बाबू का नाम तो चीकू है, तो चीकू भी कॉमन नाम है, तो इसलिए हमने इसका नाम थोड़ा हटके रखा है, और वो नाम मैं आपको आने वाली वीडियो में रिवील करूंगा। तो अभी फिलहाल काम खत्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अबे तेरी भैंस की, कभी तो इस पे चढ़ जाता और ये लैपटॉप सर के फिर यहाँ आ जाता। अरे ये क्या है बेबी? ये वही वाला गंगा जल है ना जो हम पटना से लेके आए हैं? पूछ भी रहा हूँ क्या बता रहे हो, ये गंगा जल। सॉरी मैं आगे वाला ट्रीम कर दूंगा ना पागल तेरी के। वही है ना ये? हाँ ये गंगा जल। देखो गाइस ये पटना से गंगा जल लेके आया था ना। अरे लैपटॉप पे डाल दी क्या? ओह नो। सो गाइस अभी तो कल्याण हो जाता मेरा, अभी लैपटॉप के ऊपर इन्होंने गंगा जल डाल दिया था, और लैपटॉप पवित्र करने के चक्कर में ना लैपटॉप की वारंटी गारंटी सब खत्म हो जाती। वारंटी में तो है वैसे मेरा लैपटॉप, अभी 1 साल हुआ भी नहीं है, है ना, लेकिन यार एक बूंद भी अगर चला जाता ना कीबोर्ड के अंदर या डिस्प्ले के अंदर घुस जाता, पूरा लैपटॉप भाई बर्बाद हो जाता। एक काम करता हूँ गाइस, इसको ना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ दोस्त, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का फुल्का इसके अंदर अगर गया और चालू रहा तो फिर इसकी गर्माहट से ना इसकी आईसी फूक जाएगी। कैंसिल। तो बेबी खत्म हो गया ग्रहण। सो गाइज अभी वो हो गया खत्म चंद्र ग्रहण, और अभी मेरा चंद्र ग्रहण खत्म होते ही मेरे लैपटॉप का हो जाता कल्याण। फिलहाल अभी उसे बंद करके आया हूँ मैं, और आज बनेगा गाइज पिट्ठा। है बेबी इधर इधर इधर। सो गाइज आज बनेगा पिट्ठा आलू का, क्योंकि हमारे बिहार में पिट्ठा बहुत ज्यादा पसंद है। गुड़ का भी पिट्ठा बनता है, बतीसे का भी बनता है, और वो तिल का होता है ना। हाँ तिल का बनता है, और आलू का, मुझे तो आलू का ही ज्यादा पसंद है। तो चलो आज शाम के पिट्ठे में देखते हैं आलू का बनता है कि बतीसे का बनता है। कुछ भी बनेगा गाइस मैं खाऊंगा, मेरे को आलू का मेरा बहुत फेवरेट है, मैं आलू वाला खाऊंगा। मैं जब भी एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ ब्लॉगिंग में, तो मेरे तो ऐसे के वैसे मतलब ओह नो, मेरे को आते नहीं गाइस, मैं रियल रहना चाहता हूँ, फेक बनना ही नहीं चाहता। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ, भूत पटांग जैसी हरकतें हो जाती है। चलो बाद में मिलता हूँ गाइस, मैं आप जाके फिलहाल लैपटॉप, अरे लैपटॉप नहीं आ रहा, मेरे को वीडियो अपलोड करके आनी है। मम्मी शोर मत मचाना, बाबू सो रहा है, और मुझे पता तू क्या करने ही आ रही है इधर, गंगा जल छिड़कने आई ना है इधर। मम्मी लैपटॉप, ओह नो, लैपटॉप पे अभी पता अनुपम डाल देते, हाँ सिर पे डाल दे, बाबू पे डाल दे, अभी तो पहले हो जाता कल्याण। अनुपम डाल भी देती 3-4 बूंद। ये पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, जब से रेंडर करने की कोशिश कर रहा हूँ ही नहीं रहा, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ कट लगा हुआ है, लगभग 1 घंटे से, मतलब कि वैसे तो मैं इधर उधर चला जाता हूँ, काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ ना कुछ, कभी 10 सेकंड बाद, कभी 20 सेकंड बाद, कभी 4 मिनट बाद, कभी 7 मिनट बाद, लो फिर से अटक गया। 2:27 पे कुछ मतलब वीडियो ज्वाइंट अच्छे से हुई नहीं है, क्या करूं यार माथा खराब हो रहा है। सब बिस्किट लाऊंगा,
अरे बहुत दूर है, यहीं से ले लेता हूँ। कोकोनट ले लेता हूँ, कोकोनट मिल जाता है। ठीक, एक दुकान है उधर, कोकोनट ही मिलता है खाली। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ दुकान कोकोनट बिस्किट लाने, बहुत जोर की भूख लगी है। तो गाइस बिस्किट तो ले लिया, सोच रहा हूँ कि मैं एक प्लेट चाउमीन खा के चला जाऊँ, भूख लग रही है। मदन एक 10 वाली कर दो। ये आगे के अंदर डाल दूंगा लाल सॉस। सो गाइज मैडम की आ गई कोकोनट बिस्किट, और गाइज देखा ना आपने अभी लोग, मेरे को बहुत जोर की भूख लग रही थी तो मैंने तो एक प्लेट चाउमीन खा ली भी। मैंने मन किया कि सोचा कि चलो घर लेके चलता हूँ, बट मैंने सोचा नहीं, अभी तुम्हारी मेडिसिन चल रही है, अभी तुम तीसरी चीज मत खाओ। सो गाइज मैं इनके लिए लेके नहीं आ पाया, फिलहाल देखते हैं पिट्ठा बनने में कितना टाइम लगता है। मुझे लगा एक बिस्किट लाने में इतना टाइम क्यों लगा, पिट्ठा बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा है, जब बन जाएगा ना तभी दिखाऊंगा गाइज। ये गाइज देखो जिया से मुलाकात करो, इसको लगी है बहुत जोर की भूख। तू पालतू है कि तू ऐसी आवारा कुत्ता है, हरकतें तो ऐसी करती है मंगल पांडे। एक मस्त लग रहा है गाइस, लाल कलर देख के मैं आपको याद दिलाता हूँ, लास्ट टाइम जो बंदा आया था ना मेरे घर के पास, जिसने गोल्डन कलर करवाए थे मेरे से हाथों से, आज वो बंदा फिर आया गाइस। ये देखो ये मेरा दोस्त है। इसने देखो क्या कौन से कलर का है, आज इसने मैरून है कि ये लाल है, लाल कलर है, लाल रेड कलर तो मेरे हाथों में लग गया पूरा, ये मेरे हाथों में भी लग गया, देखो मैंने खुद किया है। और वही पुराना वाला आइडिया अपनाया अपना भाई, देखो ये कलर यूज किया गया है, अब इसमें से निकाल देते होंगे। वैसे ब्रांड का प्रमोशन हम नहीं करते गाइस, हमारे कहने पर लेना मत इसे, हम जो बताएंगे वो बाद में बताएंगे, ये तो हमने ऐसे यूज किया है। निशा का कलर मैंने मंगाया था भाई, ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, ये देखो मीशो से मंगाया, अभी मैं देख रहा हूँ इसका कलर रंग के क्या होता है, वो तो बाद में पता चलेगा, कलर होने के बाद देखते हैं होता है कि नहीं होता है, पिछली बार की तरह गोल्डन क्या हो तो हुआ नहीं, इस बार देखते हैं, इस बार देखते हैं क्या होता है। अब लगाए हुए 10 मिनट तो हो गए हैं, कम से कम कितना देर छोड़ेंगे अभी हम, देख रहे थे जब तक खाना खाएंगे तब तक लगा के देखते हैं, जितना देर रहे क्या पता उतना अच्छा हो कलर। सही बोल रहे हैं। अभी तो गाइस देखो मैंने खाने में आपको बताया ना मेरे घर में बना पिट्ठा, तो मैं अभी किचन में ले जाके आपको दिखा देता हूँ कि पिट्ठा बनने की तैयारी कैसे चलती है, और बिहार का नहीं सबसे फेमस डिश होता है, कैप लेते इसलिए पन्नी लगानी पड़ी। ये वही पॉलिथीन है गाइस, सब्जी वाली पॉलिथीन है, ये बंदा पालक लेके आया था, इसमें पालक निकाल के पन्नी ले, क्या करे भाई जुगाड़ लगाना पड़ता है ना। तो फिलहाल अभी चलो किचन में दिखाता हूँ आपको, टाइम बस अभी बता रहा हूँ, 10:10 हो गए, काफी ज्यादा टाइम हो रहा है गाइस। ये देखो गाइस ये होता है पिट्ठा गाइस, मम्मी ये कौन सा वाला है, वाला। ये सारे ये वाला आलू वाला है, ये मीठा वाला है ना, कौन सा है ये। अच्छा ये देखो गाइस, ये देखो मम्मी एकदम तैयारी कर रही है, तो ये जो है ना ये गोल वाला जल रहा है यार, ये गोल वाला है ना ये है मीठा वाला, बाकी तो हाथ है चुप आराम से, और देखो अभी इसके अंदर ये डर ही रहा है, मेरे पापा आज ब्लॉग देखेंगे ना। और ये मम्मी आलू वाला है, आलू वाला, ये आलू वाला है, क्योंकि आलू वाले का जो शेप ना इसको देखो लंबा होता है ना, लंबा कर रखा है, और मीठे वाले का शेप गोल कर दिया मम्मी ने, ताकि जिससे की पहचान हो जाए कि अगर किसी को मीठा खाना होगा तो वो गोल वाला उठा लेगा लड्डू की तरह, और जिसे आलू वाला खाना होगा वो चपटा वाला उठा लेगा। लेकिन आज ये पापा ब्लॉग जो देख रहे होंगे ना बहुत मिस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर घर में होते ना पापा मम्मी तो खाते, लेकिन आज पापा स्वाद नहीं ले सकते। अब मैं जानता हूँ पापा आप मेरा रोज ब्लॉग देखते हो, पापा पता नहीं कितनी देर में आएंगे, वैसे तो एक महीने आएंगे, अभी एक महीने में तो ये मम्मी खराब हो जाएगा ना, और बनाएंगे तो फिर आएंगे तो फिर बनाएंगे, तो पापा कोई बात नहीं आप ब्लॉग देखो और स्वाद लो। खैर मेरे को पता मुँह में पानी आ गया वो पापा के, तो फिलहाल इसको भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो अभी ऊपर जो है ना मेरा फ्रेंड वो भी इंतजार कर रहा है, और घर में सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से बने और खाएं। पर घर में बात करें तो पाक उसको तो जल्दीबाजी हो रही है कि जैसे निकले वैसे खा ले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सब्र कर, उसमें पक जाएगा। हाँ क्योंकि गर्म रहता है अंदर से, ज्यादा गर्म रहता है ऊपर से तो ठंडा हो जाएगा पानी में रखने के बाद, हाँ लेकिन अंदर से गर्म रहता है, कोई बात नहीं वो तो घर में खा ले। तो इंतजार की घड़ी देखो कब खत्म होती है, चोखा है बाकी, ये जो बनता है ना गाइस ये चावल का जो आटा होता है ना उसके मिक्सचर से बनता है ना बेबी, चावल के आटे से ना, चावल का आटा गाइस उसका जो पाउडर होता है उससे बनता है, तो लगभग बन जाना चाहिए। मम्मी कितना टाइम लगेगा, बन ही गया ना, तो बस हमें दो जल्दी से, मुझे मत दो लेकिन उसको दे दो जल्दी से क्योंकि उसको घर जाना है। फिलहाल अभी खाने के लिए गाइस मैं 2 पीस ले जा रहा हूँ, लेकिन ये मीठा वाला है, मीठा वाला देखो इसको पसंद आता है कि नहीं, ले मीठा वाला खाएगा, गर्म है ध्यान रखियो अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होगा। हेलो फिर से बोलियो क्या बोल रहे हो, इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, मैं क्या मेरे को स्पंज लाया तुम्हारा दबली
ये भगवान ले रहा है, जीवन में पहली बार खा रहा है। पहली बार खाया सच में। अबे इसके अंदर स्पंज नहीं रहता, इसके अंदर वो रहेगा चावल का जो पाउडर होता है ना उसका बना हुआ है। तो एक काम कर, पहले एक ही खा, वो गर्म बहुत होगा, ये ध्यान रखियो। खा के तो देख, कीड़ा देख। ओह नो, कीड़ा पहले खा। हटा दे हटा दे हटा दे। खाना यार भाई, ये पहली बार खा रहा है, बोल रहे इसके अंदर कुछ है भी कि नहीं है, या इसके ऊपर कुछ खाने को और मिलेगा? इसके ऊपर कुछ नहीं मिलता खाने को। कैसा है? नहीं यार पागल है, तू मछली खाता है? नहीं ना, फिर ऐसे कैसे खाएंगे? गुड़ है, गुड़ भाई पहली बार। अच्छा लग रहा, मीठा मीठा लग रहा है, तो मीठा ही तो लगेगा पागल। खा, इसके बाद फिर लाऊंगा वो वाला आलू वाला, गरम तो रहेगा ही, गरम ही खाने में, और ठंडा जब होता है ना और मजा आता है। भाई मैं एक ही खाऊं? कोई नहीं, तो एक ही खा, बह रहा है इसके अंदर, इसको भी लगी है भूख। सो गाइस इसने तो खा लिया। सो गाइस वो तो हमने खाया था मीठा वाला, अब देखो ये चपटा वाला आया है, ये है आलू वाला। अब इसका देखते हैं रिएक्शन कैसा आता है, आलू वाला इसे पसंद आता है कि नहीं, बट आलू तो इसे पसंद ही होगा। खा के देख ये कैसा लगा। हाँ तो मीठा तुझे पसंद नहीं होगा इसलिए नहीं। ओ भाई दे इसको। चल कोई नहीं, इसको बाद में मिलेगा। चल लगा नहीं, चल कोई नहीं, चिढ़ा मत इसे। चिढ़ा रहा जिया, चिढ़ा रहा है, जा मम्मी के पास जा, नीचे मिलेगा। सो गाइस इसको ये मीठा वाला तो ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन इसको ये जो था ना आलू वाला, ये ज्यादा पसंद आया। और वैसे मीठे से ज्यादा मुझे भी आलू ज्यादा पसंद है, मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ। सो गाइस आज का ब्लॉग बस धनुषा में देखा, एकदम गड़बड़ी हो जाती है ना तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो बस गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो। जो लोग नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सब खैर।